गुजराती की तरह ही इंग्लिश में भी शब्दों का उच्चारण, उनके स्पेलिंग, उनका मीनिंग यानी मतलब और उनका यूजेज शब्दों को एक आइडेंटिटी यानी व्यक्तित्व प्रदान करता है। इंग्लिश में अक्षर तो हैं 26, परंतु जैसा आपको विदित है उच्चारण तो हैं अनगिनत, पर इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्षरों की बेसिक साउंड से मिलजुल के ही तो बनते हैं शब्दों के उच्चारण। अब वॉवल्स के बेसिक साउंड तो हैं अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ आदि, और बाकी अक्षरों से यानी कॉन्सोनेंट्स से मिलकर देते हैं हमें भिन्न भिन्न उच्चारण, और इसमें एच भी हो जाता है शामिल, जैसे एस के साथ मिलकर बनाता है शाह की आवाज़, जैसे शेल, और टी और सी के साथ मिलकर एच बनाता है च की आवाज़, जैसे वॉच में, मैच में आदि आदि। इन सब बातों को रटने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत है तो अपने कान और आँखें खुली रखने की, ताकि आप उच्चारण और स्पेलिंग्स का मेल कर सकें। अब जैसे जैसे आप कंप्यूटर पे अपनी टेक्स्ट बुक्स और दूसरी स्टोरीज सुनेंगे तो आपको सही सही उच्चारण और स्पेलिंग का तालमेल बिठाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस इतना याद रखें कि कॉन्सोनेंट और वॉवल मिलके सिलेबल बनाते हैं, और सिलेबल मिलके शब्द का उच्चारण बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह ही जैसे हिंदी और गुजराती में शब्दों की संधि बनती है। अब इंग्लिश के 26 अक्षरों में से 5 तो हैं वॉवल्स, जिनको बोलने के समय, प्रोनाउंस करने के समय जीभ यानी टंग का यूज नहीं होता। हम एक एक करके इन सब के प्रोनाउंसिएशन डिस्कस करेंगे। अब ए जो है इसकी साउंड अ हो सकती है, जैसे पिलर में, आ भी हो सकती है जैसे कार में, ए भी हो सकती है जैसे एप्पल में, ए भी हो सकती है
जैसे टेबल में, ए भी हो सकती है जैसे एक्स में, और ओ भी हो सकती है जैसे बॉल में। ई की साउंड ए भी हो सकती है जैसे एग में, पेन में, और ई भी हो सकती है जैसे ईगल में, ईयर में। ए भी हो सकती है जैसे इंजन में, एलिफेंट में। आई का प्रोनाउंसिएशन इंक में, पिलो में तो छोटा ई है, और सर में और फर में तो साइलेंट है। आयरन में, आयोडीन में आई यूज होता है, और आइसक्रीम में, स्लाइस में बड़ा आई यूज होता है। ओ जो है उसका ओ हो जाता है जैसे ओर में, ओपन में, या ओ हो जाता है जैसे ऑक्स में, ऑस्ट्रिच में, और अ भी हो जाता है जैसे अनियन में, मंकी में। फिर आउ भी हो जाता है जैसे आउट में, आउल में, और एन के साथ जब ओ आता है तो वन भी हो जाता है जैसे वंस, ओ एन सी ई, वंस में। अब यू जो है वो ऊ भी हो जाता है जैसे उमेश, उषा, और अ भी हो जाता है जैसे अम्ब्रेला, अर्न, और यू तो रहता ही है जैसे यूटेंसिल, यूनिफॉर्म इत्यादि। अब जब भी आपके सामने इंग्लिश का कोई वर्ड हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन बनाने की, कंस्ट्रक्ट करने की चेष्टा करें, और जो प्रोनाउंसिएशन सही बोलते हैं उस प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करने की कोशिश करें। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका प्रोनाउंसिएशन बल्कि आपके स्पेलिंग्स भी इम्प्रूव होने लगेंगे।